नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम उज्जैन ज़िले के एक चने के झाड़ वाले शहर में आए थे और यहाँ के बारे में आपको बताने वाले हैं, तो जुड़े रहे हमारे चैनल से। इस शहर का नाम भाटपचलाना है और उज्जैन ज़िले से ये करीब 85 किलोमीटर दूर स्थित है और रतलाम से करीब 30 से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों, खाचरौद की दूरी यहाँ से 22 किलोमीटर तथा बन्नेगर की दूरी 30 किलोमीटर रह जाती है। भाटपचलाना में यहाँ पर बहुत ही पुराना, वर्षों पुराना चने का झाड़ है। यहाँ ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये चने का झाड़ है और इसके पत्ते चने के झाड़ जैसे ही दिखाई देते हैं। ये जूम करके हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, एक चीज़ और है कि यह झाड़ 40 फीट ऊंचा है और ये कई सालों से ये पेड़ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। भाटपचलाना में पुलिस थाने के सामने ही एक रोड आती है और वहाँ से यहाँ जाया जा सकता है। दोस्तों, एक बात और यहाँ पर रोचक है कि भाटपचलाना को चने के पेड़ वाले शहर से भी जाना जाता है, जो कि उज्जैन ज़िले में है। कहा जाता है कि ये कई सालों पुराना चने का झाड़ है। भाटपचलाना में साप्ताहिक हाट भी लगता है शनिवार को और बाज़ार के दिन पशु बाज़ार भी लगता है, जिसमें आसपास के कई गांवों से लोग ख़रीदारी करने के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रतलाम से ये स्थान करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर है और उज्जैन से करीब 85 किलोमीटर दूर और बड़नगर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। खाचरौद 22 किलोमीटर दूर पड़ता है। दोस्तों, हम एक ज़रूरी काम से यहाँ पर आए थे भाटपचलाना में, तो हमने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाया जाए। चने का झाड़ का वीडियो हमने बनाया है तो आपके लिए ये प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो हमारे आप आराम से देख सकें। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर बहुत ही अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में आप ज़रूर शेयर करिए। तो वीडियो में अब आपसे विदा लेते हैं, नए वीडियो के साथ में, नए सफ़र के साथ में एक बार फिर से हम मिलेंगे। तो अपने दोस्त धर्मराज डाबला को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।